दोस्तों पार्लियामेंट का विंटर सेशन चल रहा है और इसी दौरान लोकसभा में जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड दो बिल्स को पास कर दिया गया है। पहला है जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट बिल 2023 और दूसरा है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर 2019 के बाद यूनियन टेरिटरी बन गया है और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि इलेक्शंस होंगे। हालांकि इलेक्शंस कब होंगे इस पे अभी कुछ भी सरकार ने नहीं बताया है, पर इलेक्शंस में किस रीजन में कितनी सीट्स होगी ये इन बिल से डिसाइड किया गया है और इसी के तहत 24 सीट्स को पीओके के लिए, दैट इज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रिजर्व रखा गया है, क्योंकि कश्मीर पूरा ही हमारा है और पाकिस्तान ने इललीगल तरीके से पीओके पे कब्जा किया है। बट जब फ्यूचर में पीओके भारत में जुड़ेगा तब के लिए 24 सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है। इसी के साथ जम्मू की सीट्स को बढ़ाया गया है, अब वो बढ़कर 43 हो गई है 37 से, और कश्मीर की सीट्स में भी बढ़ोतरी देखी गई है जो 47 हो चुकी है 46 से।